टेंथ में पबजी, इलेवेंथ में कोटा। क्यों शर्मा जी पूछेंगे तो बताएंगे, कोटा में आईटी की नीट की तैयारी कर रहे हैं, कूल लगता है, फैशन है। ये जो अखबारों में इश्तेहार देख के, होर्डिंग्स देख के 100% सिलेक्शन गारंटीड, हम भी बोलते हैं 100% सिलेक्शन गारंटीड, ये देख के जो तुम चले आते हो ना, कोई गारंटी नहीं है। डांट नहीं रहा हूं, जगा रहा हूं, बैठ बैठ। कोटा आया ना तू? क्यों? पढ़ने के लिए सर। पढ़ तो घर पे भी सकता था, कोटा ऐसा क्या करेगा? सोच सोच, टाइम लगेगा इसमें। कोटा माहौल देता है, सारे स्टूडेंट्स है तो कंपटीशन है, फोकस है तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। डर नहीं हुआ तो? सर नहीं हुआ तो भी क्या, ट्वेल्थ तो करनी थी ना सर, तो यहाँ से हो गई। नुकसान नहीं है सर कोई? है, नुकसान है, यही तो नहीं समझते लोग। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। फिर कहाँ किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, आईपीएल किसने जीता, ये सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार, सब पीछे छूट जाते हैं और यहाँ पे तुम रह जाते हो अकेले। और बसता क्या है? आईआईटी। यहाँ पे दिन रात सिर्फ आईआईटी करते हो तुम। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर दो ही चीजें होती हैं, अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट, भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। फिर कितना से कितना अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा नहीं लगता। आईआईटी तो नहीं है ना, 7 साल, 4 साल ग्रेजुएशन के और 3 साल जॉब के, 7 साल लगते हैं इस 2 साल के सदमे से निकलने के लिए। अब फ्रॉडबाजी की सजा पता है कितनी इंडिया में? 7 साल। तो ये फ्रॉडबाजी करना बंद कर, जो तू करके आया है, ये तेरा स्कूल नहीं है।